नमस्कार दोस्तों, एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है इंडियन ऑयल की तरफ से। आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट्स निकल के आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको 500 के ऊपर पोस्ट खाली हो चुकी है, जहाँ पे अप्रेंटिस के तौर पर यहाँ पे भर्ती चालू हो चुकी है। दोस्तों इसका स्टार्टिंग डेट 28 है और क्लोजिंग डेट फरवरी में 15 या 16 है। मैं आपको सामने ओपन करके दिखाऊंगा एडवर्टाइज़ को, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए। और ऐसे वीडियोज़ अपने नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ और लाने वाला भी आगे चल के रोज़ वीडियो लेके आऊँगा, जिसके थ्रू आप अगर बेरोज़गार है, आपका कोई जॉब नहीं है, तो आप यहाँ से जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर रोज़ कम से कम दो लोगों को भी अगर जॉब लगती है मेरे वीडियो देख के, तो मेरे लिए बहुत ही सुकून की बात होगी दोस्तों, क्योंकि आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन भर में जितने सारे पूरा देश में जितने सारे जॉब्स निकले उसको सर्च करते हैं और उसके बारे में वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को वहाँ पे जॉब मिल सके। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं एडवर्टाइज़ के ऊपर जाके कि किस तरह का जॉब है और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितना कितना पोस्ट है, मतलब कौन कौन सी पोस्ट निकली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कब से स्टार्ट करना है, कब से फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो चलो देख लेते एडवर्टाइज़ के पेज पर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको सामने दिख रहे होंगे कि ट्रेड्स हैं, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस फिल्टर के लिए है, आगे चल के देखिए सॉरी इलेक्ट्रिशियन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए है, मतलब बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देंगे बहुत सारे ट्रेड के लिए, कि उन लोगों के लिए यहाँ पर जॉब्स मिल सकती है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ही आप देखेंगे तो ये जो है ये ईस्टर्न रीजन के लिए है। ईस्टर्न रीजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं चार पांच स्टेट आएंगे, जो कि आप देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है और आसाम है। ये इतने सारे स्टेट में यहाँ से आप, मतलब ये जो भी आप ये एग्ज़ाम में पास होगा उसको ये सारे स्टेट में काम करना पड़ेगा। आप निवेदन इंडिया में कहाँ से भी कर सकते हो, पूरे देश से आप कहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जॉब सिर्फ ये पांच राज्यों में ही मिलेगा। तो दोस्तों क्योंकि ये वेस्टर्न ईस्टर्न रीजन के लिए ही एक्चुअली ये जॉब है, तो हो सके तो आप उसी एरिया से हो तो ही यहाँ पे लॉग इन करें तो बेटर है, या तो फिर आप दूसरी जगह जाके काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों चलो मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको जॉब शो हो जाएंगे। आप देखिए वेस्ट बंगाल में आप यहाँ पर अनरिजर्व्ड EWS SC ST OBC और PWD के लिए कितने सारे जॉब है, ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। आप जैसे नीचे आओगे तो आपको पूरी जानकारी आप भी देख सकते हैं, यहाँ से 505 पोस्ट है जो कि यहाँ पे ओपन हो चुकी है सबके लिए, टोटल मिला के 505 पोस्ट है। दोस्तों आगे जैसे हम लोग चलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे डिटेल्स में। देखिए यहाँ पे प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं ये ट्रेड अप्रेंटिस फॉर फिल्टर है, तो अगर आप फिल्टर के लिए जॉब पाना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक चाहिए और विथ रेगुलर फुल टाइम ITR किया हुआ चाहिए, मतलब आपकी 10वीं होनी चाहिए और उसके साथ में आपका ITR भी किया हुआ होना चाहिए, वो भी फिल्टर में। आप आगे देख सकते हैं, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस कैटेगरी में आपने पहले से एजुकेशन किया हुआ बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप आगे और आगे देखते हैं कि अप्रेंटिस फॉर अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए देखते हो तो सेम है, लेकिन मेट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम ITR, लेकिन उसके साथ मैंने लिखा है इलेक्ट्रिशियन में, मतलब आपका ITR इलेक्ट्रिशियन में किया हुआ होना चाहिए। यह इस तरह से यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन आपको देखने की मिलेगी। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है, यहाँ पे मैकेनिस्ट के लिए है। आप यहाँ से बहुत सारे देख सकते हैं पोस्ट है मैकेनिस्ट के लिए, यहाँ पर 3 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए, मतलब ऊपर की जो पोस्ट थी वो ITR की थी, अभी नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो पोस्ट है वो टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए है, तो इस पोस्ट के लिए आपके क्वालिफिकेशन जो है वो 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी। आप कोई भी देश के अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से आपने अगर मैकेनिकल डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ अर्ट है आगे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट ऑफ जनरल और EWS एंड OBC स्टूडेंट के लिए, आप यहाँ से 45% मार्क होंगे तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको आगे चल के देख सकते हैं ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए है, यहाँ पे आपको 3 साल का डिप्लोमा की ज़रूरत है और सेम प्रोसेस है यहाँ पे, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और अगर आप
और EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए हो तो भी आपको 50% चाहिए, लेकिन अगर जो बाकी है SC ST के लिए तो आपको यहाँ पे 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो अगला ट्रेड भी आप देख सकते हो, ट्रेड है अगला मैकेनिकल अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसके लिए भी आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग में, और उसके साथ ही आपको अगर ओपन या OBC EWS है तो आपको 50% मार्क होना चाहिए, और उसके बाद में आपको अगर SC ST कैंडिडेट हो तो 45% मार्क होना चाहिए। इस तरह से आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे डिटेल में जो एडवर्टाइज वो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ट्रेंड है और उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन बैठती है या नहीं बैठती है, और आपकी जो परसेंटेज है वो भी बैठते हैं नहीं बैठते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए तो आपके यहाँ पर जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी आप ये तो हो गई जॉब की बात, अभी आगे चल के हम लोग बात करते हैं किसी और चीज़ों की भी, कि जॉब के साथ साथ में आपको एज लिमिट कितनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट का कॉलम है, तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब आप 18 साल के कम से कम होने चाहिए, एंड मैक्सिमम आपकी उम्र 24 साल होनी चाहिए, वो भी 31/1/2021 को, या तक मतलब 31 जनवरी तक की आपकी उम्र 24 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो भी आप यहाँ से मतलब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जनरल कैटेगरी लिए है, लेकिन अगर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप किसी बैकवर्ड कैटेगरी से होते हो, तो मतलब SC ST OBC ये अगर आप हो तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे चांस मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस एज में एप्लीकेशन कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों, आपको यहाँ पे आगे कुछ और कैटेगरीज मिलेगी, मतलब फॉर्म के बारे में कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको कैसा है। तो यहाँ पे आपको 12 मंथ का, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 12 मंथ फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट, आपको सब ट्रेड के लिए यहाँ पे 12 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस विल बी हैविंग 15 मंथ्स ट्रेनिंग। जो डाटा एंट्री वाले हैं और जो ट्रेड अप्रेंटिस वाले हैं उनको यहाँ पे 15 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। दोस्तों दूसरा है ट्रेड अप्रेंटिस में रिटेल सेल्स एसोसिएट करके जो एक पोस्ट है फ्रेशर की, उसके लिए आपको यहाँ पे 14 महीने का ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कंपनी का एक फॉर्मेट है कि ये पोस्ट के लिए इतना दिन का ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो आपको उस ट्रेंड के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा। आप आगे बात कर सकते हो डेट ऑफ रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो द डेट ऑफ द पर्पस ऑफ पोर्शन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड मीटिंग एज क्राइटेरिया शैल बी 31 January 2021। मतलब जो भी क्राइटेरिया है वो 31 जनवरी को पकड़ा जाएगा। मतलब जैसे आपको मैक्सिमम एज 24 साल है तो वो 31 जनवरी को 24 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम एज जो 18 है मतलब 18 साल है वो 31 जनवरी को उससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्राइटेरिया है वो वहाँ से पकड़ा जाएगा। अभी आप देख सकते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी कैसी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटर्न टेस्ट। मतलब यहाँ पे रिटर्न टेस्ट ली जाएगी जो कि 90 मिनट की होगी, और उसके ऊपर आपका क्राइटेरिया फाइनल होगा। मतलब आप 90 मिनट के टेस्ट में आप यहाँ से 100 मार्क की टेस्ट होगी। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न टेस्ट विल बी 100 क्वेश्चंस, मतलब 100 क्वेश्चन की यहाँ पे टेस्ट रहेगी। उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसके ऊपर आपका यहाँ पे चुनाव होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की रहेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे MCQ के, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देनी है, उसमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अकाउंटेंट का अगर है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। मतलब रिटर्न टेस्ट में भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पोर्शन रहेगा, वो कैसा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए अपने ट्रेंड के हिसाब से, और उस हिसाब से मार्क्स आने चाहिए, उस हिसाब से स्टडी कर लीजिए। देखिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट्स के लिए जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको 30 मार्क्स मिलेंगे, और रीजनिंग एबिलिटीज़ के लिए 30 मार्क्स मिलेंगे, जबकि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के लिए आपको यहाँ पे 40 मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है ये तीनों में, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इंग्लिश के ऊपर आएंगे लैंग्वेज स्किल के ऊपर, दूसरा है रीजनिंग के ऊपर आपको 30 मार्क्स आएंगे एबिलिटी के ऊपर, और जो पहला मैंने बताया जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके ऊपर आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। मतलब क्वेश्चन का क्राइटेरिया ऐसा रहेगा, इसके ऊपर आपको स्टडी करना है, इसके ऊपर ध्यान दे के आपको आगे की एग्ज़ाम देनी है। दूसरा है ट्रेड अप्रेंटिस फिल्टर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये जो ट्रेंड्स है
बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। यहाँ पे टेक्निकल एक्यूमेन इन रिवेलेंट डिसिप्लिन के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, और जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स रहेंगे जो कि ऊपर 30 थे। रीजनिंग एबिलिटी के लिए यहाँ पे 20 मार्क्स रहेंगे जो कि ऊपर 30 थे, और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के लिए यहाँ पे आपको 20 मार्क्स पकड़े जाएंगे जो कि ऊपर जो अकाउंटेंट के लिए थे वो 40 मार्क्स थे। इस तरह से आपका क्राइटेरिया होगा, इसी तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर आपका रिजल्ट आएगा, और जो जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेंगी उसको सिलेक्शन किया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं ट्रेंड अप्रेंटिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर रिटेलर सेल्स एसोसिएट के लिए भी थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे जेनरिक एप्टीट्यूड के लिए 30 मार्क्स है, रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए 30 मार्क्स है, और बेसिक इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स है। तो आप देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में बैठते हो, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ द पोजिशन इन द मेरिट लिस्ट एंड सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ सील इन रिस्पेक्टिव। जब आपकी लिस्ट लगेगी मार्क्स के हिसाब से, जो आपने एग्ज़ाम दी थी उसके मार्क्स के हिसाब से, तो उसके बाद में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए क्या क्या लगेगा, किस तरह से करना होगा, वो आपके यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन उसकी जो डेट है, डिसिप्लिन कोड आपके यहाँ पे मिलेगा, और इसके आगे आपको स्किल सर्टिफिकेट इशूड बाय अवेयरिंग बॉडी, जो बॉडी है वो आपको स्किल सर्टिफिकेट यहाँ से इशू करेगी, और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे आके करने पड़ेंगे। आगे की चीज़ जो है वो मेडिकल फिटनेस की टेस्ट होगी। तो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड एज ए अप्रेंटिस विल हैव टू फुलफिल द मिनिमम फिजिकल फिटनेस। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको मिनिमम फिजिकल फिटनेस का यहाँ पे एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम ये सबमिट भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से है। बाकी जो जो चीज़ें हैं जैसे कि मेडिकल एबिलिटीज़ डिक्लेयर अदर मतलब एंगेजमेंट जो है अदर की मतलब फाइनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ फाउंड इन अदर शैल बी यूजफुल अदर द एंगेजमेंट। आपको यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट की वो आपको लेके आना पड़ेगा वेरीफिकेशन के लिए, उसके बाद में आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे सब चीज़ें देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लीव एंड हॉलीडेज़ क्या क्या है वो तक यहाँ पे लिखा गया है, मतलब आपको लीव कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, और हॉलीडेज़ कौन कौन से रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की है। आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ बताने को जाऊँ तो वीडियो बहुत बहुत ही लंबा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप देखिए आपके आगे कुछ डिसिप्लिन है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ के अवेयर करना पड़ेगा, मतलब उसको देखना पड़ेगा और पालन करना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए कुछ है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और कहाँ से एप्लीकेशन करना है तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दे दी है www.iocl.com पे जाके आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन आज मैंने चेक किया है, इसकी तारीख तो आज से ही स्टार्ट थी, सॉरी 28 तारीख से ही स्टार्ट था फॉर्म फिलअप का, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हो चुका है। कुछ इशू है शायद उनकी वेबसाइट पे, तो इसलिए अभी से चालू नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही चालू होगा तो मैं आप अगर चाहते हो कि किस तरह से फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो फॉर्म फिलअप के ऊपर बनाऊं, तो आपको आसानी रहेगी किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी जानकारी, आप यहाँ से एप्लीकेशन करके आपको यहाँ पर जॉब मिल सकता है। आप यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 28/1 से एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, लेकिन अभी तक फिलहाल वेबसाइट पे ओपन नहीं हो रहा है, कुछ इशू है, लेकिन ये 28 तारीख दे दी है। उसके बाद में लास्ट डेट इसकी सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की 26/2 मतलब 26 फरवरी को ये बंद होगा 5 बजे शाम को। उसके बाद में टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर मिलेगा 1/3 को, मतलब 1 मार्च को आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। और उसके बाद में टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, आपको टेस्ट आपकी हो सकती है 14 मार्च को, फिक्स नहीं है लेकिन टेंटेटिव डेट है, लेकिन 14 मार्च तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। उसके बाद में टेंटेटिव डेट फॉर अपलोड, यहाँ पे कैंडिडेट्स अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर सकते हैं, वो तारीख है 25 मार्च, मतलब ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। इस तारीख को आप यहाँ से सब चीज़ें कर सकते हो, मतलब ओपनिंग डेट आपको मिलेगी, क्लोजिंग डेट मिलेगी, डाउनलोड करके आप यहाँ पे कौन सी तारीख को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो भी यहाँ पे मिलेगा। आपके रिटर्न टेस्ट कहाँ पे हो सकती है, टेंटेटिव डेट दिए लेकिन शायद उसी डेट पे हो जाएगी। दूसरी बात, आपको यहाँ पे
जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह से वेरिफिकेशन करना है, कौन सी डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है वो भी डेट दी हुई है। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, आपको शायद जॉब मिले। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।